एक मिनट, सो केमिस्ट्री की बिगनिंग ना बहुत ही सीधा सा तरीका हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल इन द सेंस. हम लोग ऐसे कह सकते हैं इसको कि यहाँ से हम ये कहेंगे इसमें कि जब भी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेज की हम लोग चर्चा करते हैं, सो वी जस्ट नीड टू बिगिन विद आर सेल्व्स ओनली. हम लोग अपने आप से खुद से ही शुरुआत करें और इसी से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन वी आर हियर. यदि सपोज मान लेते हैं हम लोग, एक बहुत ही सीधी सी बात है यहाँ पर, कि हमने मान लिया ये वाला हम लोग हैं यहाँ से. जस्ट इमेजिन करें आप कि दिस इज ये है, ऐसे ह्यूमन बीइंग की हमने बात की यहाँ पर. अब ह्यूमन बीइंग की हमने बात की है तो यहाँ पर ये वाले ये हम लोग हैं, ठीक. और ये हम लोग जब हैं तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं. हमारे चेहरे पे ये जो स्माइल आती है, यू नो, ये जो आपके सामने स्माइल आ रही है, ये स्माइल किस चीज़ की है और ये कैसी है, ये स्माइल कैसे आती है पता है आपको? सो दिस इज बेसिकली, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे. बट बिफोर दैट लेट अस हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली है क्या. सो ह्यूमन बीइंग, बच्चों ध्यान से सुनना, समझना इसको. जब आप ये कहते हो ह्यूमन बीइंग की हम लोग बात करेंगे, सो दिस ह्यूमन बीइंग इज इन फैक्ट मेड अप ऑफ वॉट. इससे किससे बने हुए होते हैं हम लोग? हम लोग बने हुए हैं ऑर्गेन्स से. वी आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेन्स. हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक. इसके बाद ऑर्गेन्स किससे बना हुआ होता है? ऑर्गेन्स किससे बनते हैं? टिश्यूज से. यस और नो? अच्छा, और ये जो हमने कहा टिश्यूज हमने बना दिया यहाँ पर, अब टिश्यूज किससे बने हुए होते हैं? सेल्स से बने हुए हैं. और सेल्स में क्या होता है? क्या? एटम से बने होते हैं। सेल्स एटम से बने हुए होते हैं. हुई सिंह, अनन्या, ओके. देखो इसमें जो सेल्स की हम बात करते हैं, सेल्स में एटम अभी नहीं आया है. इससे पहले क्या है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद एमिनो एसिड्स एटसेट्रा. बहुत ज़्यादा मुझे भी आइडिया नहीं है बायोलॉजी का, मुझे तो नहीं आइडिया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स के इससे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. बाकी और भी चीज़ें होती होंगी, फैट वैट भी होता होगा कुछ ना कुछ इसमें. एंड व्हेन इट कम्स टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, दिस इज बेसिकली, ये सब क्या है? दीज आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं. ये और ये जो क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं. और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किससे बने हुए हैं? एटम्स से बने हुए हैं. एटम्स और आयंस में प्रेजेंट है, ठीक. सो अल्टीमेटली कहानी कहाँ शुरुआत हुई थी? स्माइलिंग अस, हम लोग स्माइल कर रहे थे. देखो शुरुआत हुई है ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स से टिश्यूज, टिश्यूज से सेल, सेल से कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स और समथिंग एल्स, और भी कुछ एक्सेट्रा, इससे मैं लिखे देता हूँ ETC, ठीक. एंड देन दीज आर बेसिकली व्हाट? मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स में क्या है? एटम्स हैं. तो अल्टीमेटली कहानी जो बिल्कुल जीरो हो जाती है वो कहाँ पे आकर अटक जाती है? देन एटम के बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये कहानी है. सो ओवरऑल व्हाट वी कैन कंक्लूड, कोई भी सब्सटेंस हो, आप कोई भी सब्सटेंस बताओ, जैसे सक्षम, जस्ट नेम एनी सब्सटेंस, प्लीज नेम एनी सब्सटेंस, कुछ भी बताओ, बोलो बुक क्या. बुक बुक, वेरी गुड. चलो सो हमने लिया बुक, एंड द मोमेंट यू आर टेकिंग दिस बुक, तो बुक हमने लिया. सो दिस, जैसे हमने यहाँ पर ये कहा कि भाई मेरे पास ये बुक है और इस बुक को हमने कुछ ऐसे लिख दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है, ऐसे ये बुक है, ठीक. इसे कुछ लिखा हुआ है. सो दिस बुक का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पर, इस बुक को बनाने में जो इसकी बाइंडिंग हुई थी तो वो पेपर था. पेपर इज बेसिकली क्या है? सेल्यूलोज है.
ये भी एक्चुअली क्या है, सेल्यूलोज जब कहते हैं, सेल्यूलोज बेसिकली पार्ट ऑफ, यू कैन से कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है. कार्बोहाइड्रेट, फिर से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर एटम, देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन. तो हर बार हर बार हर बार कोई भी चीज आप ले लो, चाय ले लो, खाने की चीज ले लो, पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो, पत्थर लो, कुछ भी लो, जो मर्जी वो उठा लो, अल्टीमेटली क्या होगा, वो आकर के रुकेगा कहां पर? एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो मैटर है, सो एनी मैटर दैट ऑक्यूपाइज, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस मस्ट बी मेड अप ऑफ एटम्स यानी और मॉलिक्यूल्स. तो पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी, तो हम लोग कुछ आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे इसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन है. जनरल इंट्रोडक्शन मतलब ये है कुछ क्लासेज में आपको बस मैं ये समझाऊंगा कि कैसे हमारा जो सब्सटेंस है उसको हम कैसे ढूंढते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं. तो जब तक हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज लिखना सीखेंगे तब तक हम दोनों लोग साथ रहेंगे, और फिर उसके बाद 9th और 10th को मैं बायफर्केट करूंगा, क्योंकि दैट पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, दिस मे नॉट बी एग्जैक्टली द वे योर स्कूल एनसीईआरटी बुक इज देयर, तो थोड़ा उससे डिफरेंट होगा, बट वो कोई हमारे लिए नहीं है, उसमें हम लोग और बाकी देखेंगे. यदि आपको स्कूल की नीड कोई होगी स्पेशली, सो दैट आई विल टेक केयर, वो मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, गॉट द आइडिया? यस सर. सोनाली वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. कैन यू ऑन योर वीडियो फॉर अ मोमेंट? यस सर. हाय, कैसे हो? ऑल वेल, दैट्स ग्रेट. यस सर. हाँ, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं. अब हमने जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पर. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, हम लोग जस्ट इसके बारे में बात कर रहे थे. सॉरी, तुम भी नए, अभी तो तुमसे मुलाकात नहीं हुई मेरी. यस सर. चेहरा तो दिखाओ, अपना शौर्य तो दिखाओ थोड़ा सा. बच्चों को बच्चों के चेहरे पे शौर्य होता है. राइट, वेलकम. चलो, सो हम लोग बात कर रहे थे भी, सिंपल इसकी बात कर रहे थे, यानी जो भी सब्सटेंसेस है उसके. और मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है, एंड आई विल बी जस्ट टीचिंग यू केमिस्ट्री. बाकी और हम लोग और बात करेंगे कभी फिर फुर्सत में, तो बात बताएंगे आपको और भी चीजों के बारे में. चलो, सो हम लोग बात अभी ये सिंपल सी बात ये कर रहे थे यहाँ पर कि हमारे पास जो भी कोई सब्सटेंस है, मैटर है, विच इज ऑक्यूपाइंग, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज व्हाट, सब में ये कॉमन सी बात है कि वो सारे के सारे मेड अप किससे बने हुए होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं. ठीक, अब एक और चीज देखो यहाँ पर, जैसे अभी आपने कहा ना, यहाँ पर हमारे चेहरे पर जो स्माइल आती है, द स्माइलिंग फेसेज जो हमें दिखने को मिलता है, ये स्माइलिंग फेसेज है. You know why is this smile? Yes, smile आती कहाँ से है? How is this smile coming? ये एक compound होता है, इसका नाम है dopamine. Dopamine. क्या नाम है इसका? Dopa, D-O-P-A-M-I-N-E. Dopamine. What does this do? ये करता क्या है? So whenever, इमेजिन करो कि कुछ भी सोच करके, जैसे मैंने कहा कि बस वेलकम टू द क्लास, या हाय किया, या आपने मुझे हेलो किया, तो इसमें जो हमारे मन में एक खुशी की भावना आई, राइट तो ये जो खुशी की भावना आती है, ये जो आपको अच्छा लगता है, ये अच्छा इसी डोपामीन के कारण से लगता है. यानी जैसे कुछ चीज आपको अच्छी लगती है ना, तो फिर वो डोपामीन का फ्लो होता है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक, सो दिस डोपामीन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली अब जरा सोच के देखो, हमारे पास जैसे तुमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, You were saying, Ananya was saying, कि हमने electric effect of current पढ़ा था, ऐसे कुछ तुमने, या chemical effect of current, क्या पढ़ा था? Chemical effects of current. तो देखो यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं हमारे बॉडी में ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जनरेट होती हैं, और ये जनरेट क्यों होती हैं? बिकॉज हमारे बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे Na+ या Cl- आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर बेसिकली कैरिंग देम. तो ये जो हमारा बॉडी है, दिस बॉडी इज मिलियन एंड मिलियंस ऑफ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एवरी टाइम. हमें दिखाई देता है, उसके पीछे केमिस्ट्री है. हमें स्मेल लगती है, उसके पीछे केमिस्ट्री. आपने सुना होगा अभी आज के दिनों में,
सुना है कि नहीं सुना है कि जो कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, कोविड पॉजिटिव जो होते हैं, उनकी स्मेल की सेंस गायब हो जाती है। यस सर, सुना है ना क्यों गायब हो जाती है? वो गायब इसलिए हो जाती है कि वो जो भी ऑर्गेन है, वो जिसमें जो ऑर्गेन बना हुआ है, जो पार्ट है, वो उसकी उसके सब्सटेंस केमिकल सेंसिटिविटी को खत्म कर देती है। सो इट इज ऑल अबाउट केमिकल चेंजेज, सारे के सारे केमिकल चेंजेज हैं। आपको स्वाद लगता है या खुशबू आती है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड्स। हमारे नॉस्ट्रिल्स उस तरीके से डिजाइंड है ताकि वो हमें स्मेल को हम लोग ये कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं उसके हिसाब से बने हुए, यानी वो केमिकल कंपाउंड है। जैसे हम लोग शिमला मिर्च की बात करते हैं, तो ऐसे शिमला मिर्च भी क्या होता है, बहुत ही तीखा है, और वो कैप्सिकम है तो वो भी एक बहुत ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज बेसिकली केमिकल कंपाउंड, और उसी केमिकल कंपाउंड का बना हुआ किससे, एटम मॉलिक्यूल्स और आयन से बना हुआ है। तो ये तो हो गया भाई हमारे पास, हमने बात कर ली कि हम ह्यूमन बीइंग की मैंने बात की, ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन हम लोग कपड़े पहनते हैं। अब कपड़ा क्या है, कपड़ा इज कमिंग फ्रॉम वेयर, यू माइट हैव सीन, देखा होगा आपने, कहाँ सर पर है एनिमल और कपड़ा, प्लांट्स, एनिमल प्लांट और प्लांट, मेजरली प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं, और कुछ कुछ केसेस सिल्क वगैरह है तो वो हमारे पास एनिमल से आता है। तो जो मेजर कंपोनेंट है वो है कॉटन, कॉटन है जो हमने कॉटन लिया हुआ यहाँ पर। तो दिस कॉटन इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम प्लांट। आपने देखा है कभी इसका कॉटन का प्लांट देखा है? यस सर, हाँ, कैसा होता है, कितना यस बड़ा, सर, कितना बड़ा होता है, इसमें कहाँ पे देखा था ये कॉटन प्लांट? से पंजाब, वेरी गुड, अच्छा वहां पे कॉटन की ये होती है प्लांटेशन, यस सर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। बिकॉज नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इज नॉर्मली ये कहते हैं कि ये जहाँ पर ब्लैक सॉइल होता है या कोस्टल एरियाज यस में सर, ब्लैक ज्यादा सॉइल होता में है। हाँ, तो ब्लैक सॉइल में ये होता है, सर, गुजरात, हाँ गुजरात में होता है। तो मैं भी ऐसे गया हुआ था, गुजरात गया था, तो वहां पर रोड के साइड में बिल्कुल जब आ रहे थे हम लोग, तो ऐसे ही एकदम मतलब बाइक कार हम लोग आ रहे थे, तो एकदम से प्लांट एकदम ऐसे खिला खिला सा दिखाई देता है। इट इज सो ब्यूटीफुल लुकिंग, यानी ऐसे होता है यहाँ। ये छोटे से प्लांट होते, 3-4 फुट के प्लांट्स होते हैं, और बिल्कुल इसमें एकदम से व्हाइट कलर के ऐसे से कॉटन बॉल्स लगे हुए होते हैं, ऑलमोस्ट करीब ऐसे ये दिखाई देता है। सो इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, इतना बढ़िया ही दिखाई दे रहा था। तो ये जो कॉटन है बेसिकली, यू नो व्हाट दिस कॉटन इज, ये कॉटन है किस चीज से बना हुआ है, कैसे होता है, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। जिस कैटेगरी से करीब करीब आप ये समझो, जो ग्रास है, जो कैटेगरी ऑफ ये चीजें इससे बिलोंग करती हैं, करीब करीब ये वही चीजों से ही ये भी बिलोंग करता है। तो कार्बोहाइड्रेट है ये वाला, तो कार्बोहाइड्रेट है यानी फिर से क्या हो गया, यही कहानी है कार्बोहाइड्रेट। सो वी कैन से मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस, ये वाला बन गया। फिर इसके बाद हम लोग बात की तो कपड़े की बात हो गई, फिर हम लोग बात करते हैं खाने की। खाने की बात हम करें तो यहाँ पर देखो दो चीजें उससे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। पहला, जो जो मेजर हमारा सोर्स है, दैट इज व्हीट एंड यू कैन से राइस, ये हम कहें, या फिर हम लोग बात करते हैं राजमा, या फिर हम लोग बात करें दाल की बात करते हैं, पल्सेज की बात करते हैं। तो जो हमारा ये सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हमने ले लिया, मान लो गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, तो गेहूं चावल क्या है, बेसिकली मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद फिर उसमें नेक्स्ट और क्या चाहिए होता है, फिर हमने कहा दाल, दाल इज बेसिकली एमिनो एसिड है, ठीक। एंड देन देयर इज मिनरल्स, जो मिनरल्स की हम लोग बात करते हैं वो क्या है, बेसिकली एमिनो एसिड हो गया, ये वाले मिनरल्स हैं जिसमें विटामिन सी वगैरह है, तो वो भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है। सो दे आर ऑल केमिकल कंपाउंड, जो भी हम खाते हैं सब के सब सारे के सारे केमिकल कंपाउंड हम लोग ईट आउट कर रहे होते हैं। यस और नो, ठीक। यस अच्छा, सर, और ये व्हीट बना कैसे, थोड़ा गौर से सोच के देखो जरा। यहाँ पर ये जो हमने कहा कि व्हीट, या हमने कहा राइस, ये राइस का जो हमने बना दिया, ये राइस बन के आगे कैसे गया, ये जो हमने कहते हैं हम लोग यहाँ पर ये व्हीट की बात करते हैं। सो हाउ इज दिस व्हीट फॉर्म्ड, ये जो व्हीट बनता है ये बनता कैसे है, यानी प्लांट में कैसे आता है। सो जस्ट रिमेम्बर, सन रेज है यहाँ से, ये सूरज भगवान है हमारे, एनर्जी आया यहाँ से, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। ये एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं हमारे, इन प्लांट्स के थ्रू, ये प्लांट्स हैं, इसमें ये लीव्स हैं, और ये लीव्स क्या करता है, इस लीव्स इसको एब्जॉर्ब करता है, यही लीव इससे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये एब्जॉर्ब करता है तो फिर सनलाइट, सनलाइट लिया यहाँ से, फिर इस लीव ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब के सनलाइट को, प्लस
इसके बाद यहां से जो एनवायरनमेंट में क्या है, जो CO2 है इसको भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक। और नीचे यानी अर्थ से, अर्थ से जो वाटर है या मिनरल्स हैं उसको लेता है, एंड देन फाइनली इट सिंथेसाइजेज। यहाँ से ये वाला फिर क्या सिंथेसाइज करेगा, यहाँ से ये सिंथेसाइज करता है, फिर इसमें मतलब ये होते हैं, पहले फ्लावर आता है, फ्लावर आकर के फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर इसमें फ्रूट बनता है। तो वही जो फ्रूट है हमारा वो क्या है, गेहूँ है। तो ये जो एनर्जी हमारे पास था, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर सन रेज की एनर्जी है, तो CO2 plus H2O, CO2 plus H2O, this will be making up with in presence of sunlight, this is making up what, ये C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, वेरी गुड। और यही ग्लूकोज को जमा करता है और उस ग्लूकोज को हम लोग खा जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट है ये वाला, राइट। सो द पॉइंट इज एवरीथिंग, आप कुछ भी सोचो ना बच्चों, घर में पेंट है, ये है वो है, एवरीथिंग इज वॉट, इट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री एंड केमिकल फेनोमेना, ठीक है। अब एक और चीज देखो, सरदर्द है, तो सरदर्द है तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें, डिस्प्रिन यूज करते हैं। डिस्प्रिन क्या है, केमिकल कंपाउंड है। हमें हमें कोविड का जो भी हम लोग सीरम की बात कर रहे हैं या कोविड की वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, बिकॉज जो कोविड को किल करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड चाहिए वो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यदि हमें वो, यदि हम ढूंढ भी पा रहे हैं तो वो उसको मान लो किल कर भी देगा, तो किल करने के बाद भी क्या बाकी को, वो बाकी सेल्स को इफेक्ट नहीं करेगा, इसकी स्योरिटी नहीं होती, उसकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड कि हाँ भाई ये वाला ले लो, इससे दवा दो दो, ये खत्म हो जाएगा। दैट इज द चैलेंज, एंड देयरफॉर जिस दिन हमें ये मिल जाएगा, सो वी वुड बी फ्री ऑफ दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को डेवलप करते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री इज नीडेड एवरीवेयर, हर जगह पे नीड है, हर जगह पे जरूरत है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया। बस इस सब से जो भी हमने यहाँ पे फोटो बनाया है, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, इन सब से आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, कि कुछ भी हम करें अल्टीमेटली बात कहाँ पे आकर अटक जाती है, वेयर इट इज, कहां पर, सर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बस 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 उसी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। नेहा वेलकम टू द क्लास, यस सर। यू आर इन व्हिच ग्रेड, सर? 9। ओके, कैन यू ऑन योर वीडियो फॉर अ मोमेंट, केमिकल कंपाउंड जितने भी हैं, जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में है या हम हैं या कुछ भी है, ठीक, या हमारी पार्टी हो रही है, ठीक, हर जगह पे क्या हो रहा है, केमिकल कंपाउंड है। ऑक्सीजन हम लोग ब्रीद करते हैं, CO2 हम लोग एक्सहेल करते हैं, सो ऑल दैट आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, यानी यू कैन से केमिस्ट्री एवरीवेयर इज देयर, फाइन। अब हमें इसी बात का ध्यान रखना है, एंड नाउ नाउ वी आर जस्ट मूविंग अहेड विद दैट, उससे और आगे की हम लोग बात करते हैं। एंड सो हियर इट इज, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू अ स्क्रीन, जो हम लोग यहाँ पे, पहले आप ये इसमें कुछ बातों के, जो भी नोट करना है आप इसमें नोट कर लें, एंड देन विल बी गोइंग अहेड, चलने से आगे। चलो गुड, यहाँ तक क्लियर है, या कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, एनीथिंग? नो। चलो गुड, तो हमारे लिए अच्छा वाला हार्मोन था, वो कौन सा हार्मोन है जो हमें, डोपामाइन, वेरी गुड। डोपामाइन जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला हार्मोन है, उससे हमें खुशियां मिलती है, यानी उसके सेक्रेशन से हमें अच्छा लगता है, तो ये जो अच्छा लगने वाली फीलिंग है वो डोपामाइन से आती है, वेरी गुड, चलो दैट्स ग्रेट। नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एंड सो हियर इट इज दिस वन, एंड सो वी कैन सी हियर, एक हमने यहाँ पे शीट ओपन किया है, एंड दिस शीट हैज अ फ्यू थिंग्स लाइक दीज। हम्म,
सो वी कैन सी हियर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने लिखा हुआ है इसमें कुछ इस तरह से है कि ये लिया हमने यहाँ पर एंड कंसिडरिंग दिस वन सो दिस इज द हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमने कहा तो बेसिकली हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले पता करना होगा देन ओनली वी कैन गो बियॉन्ड दैट उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में और बात कर पाएंगे सो व्हेन आई से स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो यहाँ पे उसका कुछ बेसिक आइडियाज हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे तो कुछ सिंपल चीजें हैं जिसके बारे में ध्यान रखना है जैसे ये एटम कैसे डेवलपमेंट कैसे हुआ था तो हमें कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करनी होती है कि उनका फिर डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है कैसे वो सारा कुछ अभी जो भी मॉडल की हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां तक हम कैसे पहुंचे हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं तो सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल द वेरी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो कि कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस था जिसका दैट वॉज क्या था वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था ठीक अब इस डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज बेसिकली इसके अपने कुछ फीचर्स थे एंड द फीचर वर्ड लाइक दिस कि जितने भी हमारे पास जो एटम्स हैं वो क्या है इंडिविजिबल हैं व्हिच वाज नॉट करेक्ट लेटर ऑन इट वाज फाउंड टू बी नॉट टू बी करेक्ट देन वी हैव दिस एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट यानी जब भी कोई एटम है सेम एलिमेंट है तो वो क्या होगा हर एक रिस्पेक्ट में वो सेम होगा यानी उसका शेप साइज सब कुछ बराबर होगा विच इज पार्शियली ट्रू देन वी कैन से एटम कम्बाइंस टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो यानी यहाँ पे H2O है जैसे तो ये 2:1 के रेशियो में कंबाइन हो गया H2O2 है यहाँ पे 2:2 के रेशियो में कंबाइंड है लेकिन एक और कंपाउंड होता है बच्चों ये ध्यान से वर्ड ध्यान से देखना यहाँ पे लिखा है मैंने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड सो व्हेन आई से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड इसको ऐसे समझना इसको ऐसे पहले पढ़ेंगे कैसे ये देखो STOI जो हमने लिखा ना यहाँ पर क्या लिखा है हमने इसको आई हैव रिटन इट इन दिस वे एक मिनट आई हैव रिटन इट इन दिस वे STOI इसको क्या पढ़ेंगे STOI क्या पढ़ेंगे इसको STOI then this is CHIO CO और KIO दोनों में दोनों चलता है STOIKIO और STOICIO and then we are saying metric यानी मेट्री से फिर मेट्रिक बना है मेट्री तो ये चैप्टर है चैप्टर का नाम है STOICIOMETRY और वी कैन से STOICIOMETRIC ऐसे कहते हैं ठीक तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है सो दिस इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड सो व्हाट एग्जैक्टली इज ए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड ये होता क्या है सो व्हेन आई से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड दैट मींस व्हाट नेहा आपने वीडियो ऑन किया सर अभी करती तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जैसे H2O मैंने कहा तो H2O में क्या है 2:1 का रेशियो है यानी यहाँ पे 2 है ये 1 है इसमें क्या है 2:2 का रेशियो 2 है और ये वाला 2 है सो फॉर दैट वी कैन सी हियर इसको क्या कहते हैं हम लोग इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रल वैल्यू व्हाट आर इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं तो व्हाट What are integers? So the numbers which contain a positive as well as negative sign. Sign? अच्छा. और whole number क्या होता है? Numbers. Sir, so number starting from 0 to number which start from 0 to 20. तो ये जो हमारे पास मालूम point five ये integer है? No sir. No. क्यों? Sir है. 0.5 integer है? इसीलिए देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड
इसमें क्या था बच्चों, ये वाला जो वैल्यूज है ना, ये हमारा क्या है, ये इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। ये टू है, वन है, टू है, थ्री है, टू है, फोर है, फाइव है, टू है, सेवन है, सेवन है, इस तरह से जो भी नंबर्स हो सकते हैं ये सारे पॉसिबल है। लेकिन जब हम कहेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, इसमें क्या आएगा कि ये रेशियो नहीं होता, रादर इट इज 0.9 पॉइंट, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। यहाँ पर ये 0.96 लिख लिया हमने यहाँ पर FeO, और ये रेशियो क्या है यहाँ पर, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो वैसे कंपाउंड्स जिसमें जो एटम्स हैं उनका जो रेशियो है वो फ्रैक्शनल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन इट्स डेफिनेशन ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, डेफिनेशन लिखो। Compounds in which the ratio between the elements is non-integral or fractional. Are called non-stoichiometric compound. क्या लिखा definition में? Compounds in which the ratio is fractional. Ratio is fractional between the elements are called non-stoichiometric compound. बस, very good. तो ये हमारा non-stoichiometric compound है. Then इसके बाद हमने यहाँ पर ये लिखा है कि atoms are electrically neutral. What is meaning of electrically neutral? Electrically neutral का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इधर जीरो हो जाएंगे उनकी, उसमें नेट चार्ज जो है वो जीरो है, क्या है उसके बाद जो चार्ज होगा वो जीरो के बराबर होगा, यानी कोई ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से है? डेफिनेटली देयर इज अ क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर कमिंग अप। सो दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर कमिंग फ्रॉम वेयर? So this is coming from, you can just remember कि ये इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से आता है। सपोज मैं ये कहूँ कि भाई कहीं पर ये एक किसी सब्सटेंस ने या एक एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो जितना लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना गेन करेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे। सो जस्ट मेक इट अ नोट यहाँ पर कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, number of positive charge equal to number of electron lost, number of positive charge equal to number of electron lost, and number of negative charge equal to number of negative charge, matlab kya ho gaya ki this is equal to number of electron gained, number of electron gained। तो एटम जो होते हैं उसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, सारे सारे बैलेंस्ड होते हैं, सब बराबर होते हैं। डन। यहां से एक और चीज यहां पर बच्चों, ये ध्यान सुनना, समझना इसको। एक ये लाइन मैंने यहां पे लिखा है, दैट लाइन मे बी अभी आपके लिए उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये कि जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस चीज को याद रखें, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड दैट इज द स्टेटमेंट इज लाइक दिस वन, एवरी स्टेबल सिस्टम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब क्या है यहाँ पर कि यदि कोई चीज बिल्कुल स्थिर है जिसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि वो एक स्टेबल सिस्टम है। जैसे कहीं पे एक कप रखा हुआ है या पानी बॉटल में पड़ा हुआ है, ठीक, या कपड़ा है या टेबल है या कंबल है या कुछ भी हम किसी चीज की बात करें,
सो दे आर ऑल वी कैन से दे आर स्टेबल सिस्टम है. यदि वो स्टेबल सिस्टम है तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी वो कोई नेट चार्ज नहीं होगा. लेकिन कभी आपने इसमें महसूस किया होगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कंबल या कभी बाय चांस यू कैन से स्वेटर पहनते हुए आपको एक हल्की सी कुछ कुछ मतलब एक चरचर सी जैसी कुछ आवाज आती होगी, या कभी कुछ ऐसा होगा कि कुछ स्पार्कल टाइप कुछ दिखाई दिया होगा. हैव यू एवर फाइंड दैट? यस सर. तो वो क्या है, क्यों होता है वो, व्हाट इज दैट? रबिंग. हाँ, रबिंग से क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस हुई. नहीं, इट्स नॉट हीट. हीट नहीं है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज. हाँ, वो चार्ज है, यानी उस चार्ज के कारण से ही ये हमें दिखाई देता है. यानी वो क्या हो गया, आपने मतलब इसको किया, यहां से आपने उठाया और इसे एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एंड सो फाइनली वही हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है. ठीक, सो दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. वही चीज हम लोग बात करें. लेकिन यदि कहीं पर बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है, स्टेबल सिस्टम है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. ठीक, एक जनरल इंफॉर्मेशन है ये, इसका कोई बहुत तुरंत में हमें लेना देना नहीं है एज सच. इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डाल्टन एटॉमिक मॉडल का जो बेसिक फीचर क्या क्या था, वट वॉज द बेसिक फीचर ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल? नंबर वन, एटम्स आर इंडिविजिबल. उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो एटम्स हैं वो हमारे इंडिविजिबल हैं. क्या है वो? इंडिविजिबल है, उनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. एटम्स आर नॉट फर्दर डिवाइडेड. फाइन, हमने डिवाइड नहीं करना है उसको. जब डिवाइड नहीं कर सकते, फिर उसके बाद दूसरा क्या कहा उन्होंने कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई उसके ऊपर नेट चार्ज नहीं होगा. देन वी कैन से सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट होगा, विच इज अगेन पार्शली ट्रू है. क्यों पार्शली ट्रू है? बिकॉज एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, जो कहते हैं हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं. सो दिस क्या कहते हैं उसको, आइसोटोप्स. पार्शली ट्रू है ये वाला, पार्शली ट्रू. ठीक, तो आइसोटोप्स का, व्हाट आर आइसोटोप्स? चलो कोई नहीं, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या है, ये आइसोटोप्स हैं. वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो, इस बारे में बात अभी करेंगे हम लोग. देन वी कैन से एटम्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो. इसमें फिर हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स. एंड व्हाट वर दैट नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड? जिसमें की जो रेशियो होगा वो नॉन इंटीग्रल होगा और फ्रैक्शनल होगा, उसको हम लोगों ने नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बोला है. देन वी कैन से एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी नेट चार्ज हमारा जीरो है. और फिर मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव, और जितना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का उतने ही पॉजिटिव, जितना गेन होगा उतने ही नेगेटिव. सो अकॉर्डिंगली वी डील विद इट. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज थॉमसन ने किया. जब थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, देन ही हैज प्रपोज्ड हिज ओन मॉडल, एंड द मॉडल वॉज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस इज वाटरमेलन मॉडल और क्रिसमस पुडिंग. हाँ, और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको. जैसे वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल है ये वाला. एंड सो हियर इट इज, ये हमने देखा ये वाला वाटरमेलन है और प्लम पुडिंग ये भी हम कहते हैं इसको. और रेजिन मॉडल भी बोलते हैं इसको, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन और रेजिन मॉडल. एंड सो व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड दिस वन, प्लम पुडिंग और रेजिन और दिस मॉडल के पीछे जो राज है वो क्या राज है? राज ये है कि इसमें जैसे क्या होता है यहाँ पर कि ये हमारा कवर्ड है, ये कवर्ड हो गया. अब इस कवर के पीछे भी क्या है, यहाँ पर इसके पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे अंदर में क्या है, रेड कलर का हमारे पास मास होता है. तो ये जो हमारे पास रेड कलर का मास है, दिस मास इज इन फैक्ट ट्रीटेड एज, यानी एटम को उन्होंने क्या माना था, जो इन्होंने थॉमसन ने अपना जो मॉडल दिया, सो ही हैज प्रिडिक्टेड दैट, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जो भी हमारे पास एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर है. कैसा है ये? सॉलिड स्फीयर है ये, राइट? दिस इज बेसिकली सॉलिड स्फीयर, जिसमें कि कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट है. ये हमारा ये सॉलिड स्फीयर बन गया. ठीक,
ये सॉलिड स्फीयर बना दिया हमने यहाँ पर ऐसे कुछ, ऐसे देखो इसको, ये सॉलिड स्फीयर हमने बनाया और इसको हमने क्या कर देना यहाँ पर ऐसे इसको कवर अप कर दो, सो यू विल हैव दिस, सो वी कैन से इट लाइक दिस, ऐसे के हम कह सकते हैं इसको, ये वाला हमारा बिल्कुल इस तरह से। और वाटरमेलन हमने कहा है तो वाटरमेलन कहने के क्या मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसे होगा चारों तरफ से, ये वाला ये सॉलिड है इस तरह से। अंदर में क्या है, अंदर में जब हम वाटरमेलन की बात करते हैं, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, अंदर में क्या होता है, रेड कलर का होता है ये वाला मास, और ये जो हमारे पास अंदर में रेड कलर का मास है वही मास की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, ये रेड कलर वाला मास है जो हम लोग खाते हैं बेसिकली, एंड सो दैट रेड कलर का मास है, यानी दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर रेड कलर का मास हमारे पास प्रेजेंट है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस मास में जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर बीज पड़े हुए होते हैं, तो ये जो बीज पड़े हुए होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, जो हमने यहाँ पे ये वाला बीज लिया हुआ है, ये वाला ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा मॉडल है, थॉमसन मॉडल है। सो व्हाट इज थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये जो मास है वो पूरा पूरा सेल में पूरा कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी हर जगह, सपोज मैं यहाँ की बात करूँ और यहाँ की बात करूँ, इक्वल एरिया के अंदर और इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल मास होगा, ठीक है ना, सो इक्वल वॉल्यूम इक्वल मास, एंड नाउ इसका इंटायर मास इज पॉजिटिवली चार्ज, ये जो मास है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब है यहाँ पर कि सपोज जैसे मैंने ये कहा यहाँ, सो हियर इट इज ऑल इज इंटायरली पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो हर जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, देन देयर इज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं, एम्बेडेड हैं, एम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं इसके अंदर, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, एंड सो वी आर सेइंग जैसे हमारे पास सीड्स होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल उस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर एम्बेडेड हैं, राइट, सो दिस इज व्हाट द थॉमसन मॉडल। तो देखो थॉमसन मॉडल का कुछ भी अल्टीमेटली फायदा मिला नहीं सिवाय इस एक बात का कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बस यही एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकल के आता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस, कंक्लूजन इज दैट दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो इस डॉट का ना सोनाली, तुमने जो ये डॉट ड्रॉ किया है, अरे हटा क्यों दिया सोनाली, कोई बात नहीं, ड्रॉ करो करो करो, एक मिनट बनाओ डॉट बनाओ। देखो ये डॉट है, अब ये तो फिर भी काफी बड़ा है, कैन यू इमेजिन द स्मॉलेस्ट डॉट, सबसे छोटा डॉट कितना बना सकते हो आप, और छोटा बना सकते हो, कितना छोटा बना सकते हो, ट्राई करो बच्चों, आप लोग ट्राई करो, हाँ ये छोटा बना, ये बहुत ही बढ़िया, बस 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 बस, ज्यादा मत बनाओ, थैंक यू। अब देखो ये वाला सो अमर्थ, राइट, ठीक, तो ये हमारा छोटा वाला डॉट्स है, तो ये जो डॉट्स है क्या आप इससे और छोटे की, हाँ अमर्थ ने ट्राई किया और छोटा बनाने की, ठीक है ये काफी छोटा है, और इससे भी और छोटा बना सकते हो क्या, नहीं नहीं बना सकते, यानी हम इससे और छोटा हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक, जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट, तो सोच के देखना यहाँ पर, तो हम लोग अब सोच के देखो, ये जो एक छोटा सा हमने डॉट बनाया ना यहाँ पर, इस डॉट में भी क्या है, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, और उससे भी बहुत 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 ज्यादा एटम का साइज है, बहुत ही छोटा सा साइज है, सो वी कैन नॉट एग्जैक्टली सी द एटम, इसलिए किसी ने भी एटम को देखा नहीं है, we are just making some speculation,
हम लोग कुछ इसके कहानी के बारे में सोच ही रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, गेसेज कर रहे हैं, ठीक. सो वी आर एक्सप्लोरिंग दैट. सोच के देखो, इमेजिन करो कि ऐसी चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं जो कि बिल्कुल जिसके बारे में हम हमें दिखाई नहीं देता है, जिसका साइज बहुत ही छोटा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है. एंड सो दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि सोचो कि हम इससे बियॉन्ड हम कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं. एंड आई एम जस्ट शोइंग व्हाट, देखो यहाँ से कि भाई मैं एटम के अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ. यहाँ पर देखो एटम ऐसा दिखाई दे रहा होगा. सो दे वर थिंकिंग इन दैट वे, वो कुछ ऐसे सोच रहे थे उस टाइम में, ठीक. सो नाउ यू कैन जस्ट, सो मैं हटा देता हूँ यहाँ से. सो इफ आई रिमूव देम, सो वी कैन रिमूव इट इन दिस वे. एक मिनट को इसको हटा देता हूँ. सो तो ये हमने ऐसे हटा दिया इसको. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल. तो हमने दो मॉडल की हमने बात कर ली है. कौन कौन सा? एक तुम्हारे पास डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था और दूसरा कौन सा था? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. तो दोनों में क्या क्या चीजें थी? व्हाट वाज इन देयर इन डाल्टन्स में क्या था, और दूसरा जो हमारे पास है वो जो हमने अभी बात की है थॉमसन में, दोनों के बेसिक फीचर्स क्या क्या थे? बताओ. बिल्कुल बच्चों, देखो ये आपका ये है प्लेग्राउंड है, ऐसे समझ लो आप. बिल्कुल यू कैन जस्ट आप थॉट, अपने थॉट शेयर करो. आप जो भी आपको लगता है आपके माइंड में आता है, जस्ट मेक श्योर उसको बोलो, बताओ, शेयर करो और डिस्कशन करो. जितना हम डिस्कशन करेंगे उतना बढ़िया से सीखेंगे. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड इट्स ओपन प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग बहुत ही आराम से, कंफर्टेबली और बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस खत्म हो गया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सिलेबस के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आराम से आप सोचना, पढ़ो इसको. बस केवल ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम लोग जो भी हम पढ़ें, जो भी हम सीखें, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखें और एकदम जो कहते हैं ना फंडामेंटल्स के साथ, फंडामेंटल्स हमारा क्लियर होना चाहिए. So what is there? हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? कौन सम अप करेगा? नो वन. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? कैन यू सम अप? कोई सम अप करे हुए इसमें आप लोगों में से कोई? सर हम एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते. और सर जो कंबाइन होते हैं एटम्स, उनका जो रेशियो होता है वो इंटीग्रल होता है. इंटीग्रल नहीं होता है, मतलब वो फ्रैक्शनल होता है. आराम से पढ़ो, दोबारा से पढ़ लो एक बार, हमें समय सामने है ये. एक बार जस्ट गो थ्रू फॉर 2 मिनट्स, पढ़ो जरा इसको ध्यान से एंड चेक दैट.
Done? Yes, sir. चलो देखो, तो क्या था यहां फीचर्स बताना सर? कि हर जो स्टेबल सिस्टम होता है वो न्यूट्रल होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज टोटल होते हैं नेगेटिव चार्ज के बराबर, और सर अगर कोई एटम कम्बो होता है जिसे आइडेंटिकल होता है तो वो उसे सेम ही काउंट करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है हमने। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है, यहाँ पर देखो ध्यान सुनना। व्हेन आई से डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला तो ये है कि एटम्स जो होते हैं वो क्या है, इंडिविजिबल है। एटम्स आर इंडिविजिबल, राइट? सो व्हेन आई से एटम्स हमारे इंडिविजिबल है, एंड देन वी कैन सी हियर, यहां से हम ये कहते हैं इसमें कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ये कहा गया है कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, दे आर ऑल आइडेंटिकल। यानी कोई भी एलिमेंट हमने लिया यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल ही होंगे हमारे, ठीक है? देन वी हैव सीन व्हाट, इसके बाद हमने ये लिखा है एटम्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशियो। यानी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, और उनके बीच में जो रेशियो होता है वो इंटीग्रल होता है। देन देयर एज वी कैन से, फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं इसमें, यहाँ पे एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। व्हाट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें जो रेशियो है वो इंटीग्रल नहीं होकर नॉन इंटीग्रल होता है, ठीक? और फिर हमने यहाँ पे ये कहा था कि एटम्स जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब है कि नेट चार्ज हमारा जीरो है। और जब हमने ये कहा कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, देन आई हैव स्टेटेड कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नो नेट लॉस और नो नेट गेन, देन इट इज जीरो, कोई चार्ज नहीं होगा। देन दूसरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे एक साइड में एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ था, बट व्हेन इट कम्स टू द फीचर डाल्टन एटॉमिक मॉडल वी हैव टू रिसाइट दीज पॉइंट्स, ठीक? सो प्लीज टेल मी क्या क्या था। एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, हाँ ठीक। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजुअल, हमारे इंडिविजिबल हैं। फिर दूसरा क्या है? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ व्होल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद सर सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं तो फिर वो आइडेंटिकल होते हैं। हाँ, हर तरीके से वो आइडेंटिकल होते हैं, वेरी गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या है वो, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, हाँ वेरी गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा था, एक टर्म यूज डिफाइन किया था नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, जिसमें की नॉन इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। बस हो गया, खत्म कहानी, यही था हमारे डाल्टन्स एटॉमिक, मतलब उतना ही है उसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने देखी थी वहां पर, और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, देन वी टॉक अबाउट थॉमसन मॉडल। उसका फिर हमारे पास क्या आता है, थॉमसन मॉडल आता है। एंड व्हेन इट कम्स टू थॉमसन मॉडल, तो दिस इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग और रेजिन मॉडल भी बोलते हैं इसको, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक? जिसमें कि मास क्या है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंटायर मास इज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, एंड एज द सीड्स ऑफ वाटरमेलन अपीयर। जैसे हमारे पास वाटरमेलन का जैसे सीड दिखाई देता है, वैसे ही इनके सीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड सो वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स मॉडल। So when it comes to Rutherford's model, so this is based on alpha particle scattering experiment. तो यदि कोई पूछेगा यहाँ से कि what is alpha particle and what exactly Rutherford model is, तो सबसे पहला जवाब जो हम लोग इसमें देंगे वो क्या जवाब देंगे कि this Rutherford model is based on alpha particle scattering experiment. कौन सा experiment? Sir,
Which experiment? Alpha particle. Alpha, ये जानते हो क्यों हम कहते हैं alpha इसको? Why this alpha? ये alpha कहलाता है. जैसे हमारे पास alphabets होते हैं ना, alphabets, alphabets. Alphabets, यानी ये जो हम लोग कहते हैं यहाँ पर, तो alphabet का पहला ही word है हमारा कौन सा? A है. तो A हमने English में कहा है यहाँ पर, ठीक है, Roman. And this one is what? This is अल्फाबेट में ये कौन सा है? दिस वन इज ग्रीक. ठीक, तो ग्रीक का अल्फाबेट जो है वो ए को हम लोग अल्फा लिखते हैं. ऐसे ही बी हमारा है तो उनका क्या होता है? बीटा. ए है हमारा, दूसरा बी हो गया, उनका क्या होगा? सेकेंड वन इज बी से इनका बीटा आता है, राइट. देन देयर इज गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये जो भी है ये सारे सारे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं. जैसे हमारे रोमन अल्फाबेट्स या इंग्लिश अल्फाबेट्स की हम लोग बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, वैसे ही. तो ये अल्फा पार्टिकल वहीं का टर्मिनोलॉजी है, उसी का हमने यहाँ पर यूज कर रखा है. एंड सो दिस इज अल्फा, एंड दिस अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली वॉट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो ये एक एक्सपेरिमेंट का नाम है. एंड डोंट रिमेंबर, डोंट थिंक ये जो रदरफोर्ड मॉडल है वो उन्होंने बस सीधा बैठे बैठे घर में बैठ के सीधा बोल दिया ऐसे, हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है. नथिंग लाइक दैट. दिस इज हाईली मैथमेटिकली कैलकुलेटेड, मतलब बहुत ही एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बना है. हाईली कैलकुलेटिव, हाईली कैलकुलेटिव मॉडल था ये. कैलकुलेटिव यानी बहुत सारी कैलकुलेशन की उन्होंने, उस कैलकुलेशन के बाद He has given the size. इन्होंने साइज के बारे में ही बता दिया था कि जो एटम या जो न्यूक्लियस का साइज है वो हम लोग बता सकते हैं. एंड ही हैज प्रेडिक्टेड दैट. और ये सोचो ये कहानी कब की है? ये कहानी है आज से 100 साल पहले, से भी ज्यादा पहले की बात है, यानी 1912 की कहानी है ये. यानी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन, he was able to make all those calculations about something which is not visible. सोच के देखना यहाँ पर इसके बारे में, कुछ ऐसी सी बात जो ऐसी चीज के बारे में उन्होंने बताया था जिसके बारे में कोई predictions नहीं था, कुछ भी ideas नहीं थे, उसके बारे में सारे calculations उन्होंने किया और सब कुछ समझाया. And this is what we call vision or scientific temperament. So that was another food model. And this is based on alpha particle scattering experiment. And in this case, this alpha particle आता कहाँ से है? ये जो alpha particle हमने लिखा है यहाँ पर, ये alpha particle आता कहाँ से है? Double ions helium. Double ions helium, बहुत बढ़िया. So we can say that this is called alpha particle age. Alpha particle में कहते हैं radioactive substance से आता है. अब फिर से एक नया शब्द आ गया यहाँ पर, रेडियो एक्टिव. तो अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास ना बहुत सारे नए नए शब्द आएंगे, हमें हर उन शब्द पर ज्यादा ध्यान देना है, उसको हमें ढंग से समझना है. सो व्हेन आई से रेडियो एक्टिव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट अल्फा पार्टिकल इज. सो व्हाट डू यू मीन बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? व्हिच इज अनस्टेबल इन एनवायरनमेंट. Unstable in environment. कुछ और? कुछ और? देखो, we can say radioactive substance जब हम कहते हैं यहाँ पर, so they are basically एक यह न्यूक्लियर फेनोमेना है. दिस इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना. क्या है ये? न्यूक्लियर फेनोमेना. एंड व्हेन आई से न्यूक्लियर फेनोमेना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यूक्लियस में होता है. यानी बाहर के एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस है, जब भी वो एटम है, जब तक वो एटम है तब तक ये चलता रहेगा. यानी एक सब्सटेंस लिया हमने, कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसके न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो क्या करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है. एंड देन फाइनली इट इज फॉर्मिंग अ स्टेबल न्यूक्लियस बना करके फिर ये रह जाता है. सो व्हाट इज हैपनिंग, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई? देयर आर सम एलिमेंट्स, देयर आर सम हेवी एलिमेंट्स हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं. ठीक,
and therefore their nucleus decay spontaneously and emits alpha beta particle and gamma radiation. पढ़ो बच्चों इसको हमने क्या लिखा यहाँ पर they are heavier there are heavier elements which are unstable their nucleus decay spontaneously decay मतलब क्या होता है टूटना होता है तो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अपने आप टूटते रहते हैं एंड व्हाई इट इज सो बिकॉज उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल है इसलिए वो टूटते रहेंगे हमेशा एंड दिस जस्ट डिकेइंग एंड सो हियर इट इज वी कैन राइट मेटल्स एंड देन देयर इज डिकेइंग स्पॉन्टेनियसली डिके स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप ये टूटता रहता है एंड एमिट्स अल्फा बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट करता है और गामा रेडिएशन को एमिट करता है सो दिस इज द थीम दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट और रेडियो एक्टिविटी देखो क्या क्या वर्ड्स आ गए हमारे पास रेडियो एक्टिविटी हेवी एलिमेंट्स अनस्टेबल उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कहा कि भाई ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियर डिके है यहाँ पर फिर एमिशन है अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन है तो जब कभी भी रेडियो एक्टिविटी की हम बात करेंगे सो वी ऑलवेज रिमेंबर दैट ये सारे टर्म्स हमें एक्सप्लेन करना होगा क्या क्या एक्सप्लेन करना होगा सबसे पहले हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिफाइन कैसे करेंगे सो दीज आर सब्सटेंसेज हुज न्यूक्लियस इज अनस्टेबल यानी वैसे एलिमेंट्स नोट इट डाउन इसको नोट कर लो यहाँ पर दोज एलिमेंट्स हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एलिमेंट्स विद अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ठीक आया ना फिर उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पर अनस्टेबल है इसलिए वो अपने आप टूटते रहेंगे डिके करते रहते हैं टूटना की जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता है जैसे हमने रखा है इसको अपने आप इसमें से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगा ठीक They decay spontaneously and emits. क्या क्या emit करते हैं आन्या आन्या what do they emit? Alpha plus B, R radiation. Alpha, beta and ये R नहीं है gamma. Gamma, this is gamma. Alpha, beta, gamma. वो 3-8 मूवी में नहीं है अल्फा बीटा गामा ये वही गामा है कौन सा गामा है ये जी ए डबल एम ए गामा ठीक सो अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन है इसको एमिट करता है और रेडिएशन का मीनिंग क्या है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव को हम लोग क्या कहते हैं रेडिएशन कहते हैं तो प्लीज गो थ्रू दिस इसको पढ़ो एक बार ध्यान से समझो जहां कहीं भी डाउट है कोई क्वेश्चन है वो पूछो एंड देन वी विल गो अहेड फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे एक और बात का ध्यान रखना रेडियो एक्टिविटी जहां तक बात हम कहते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको आप आग में डाल दें या आप उसको पानी में डाल दें या स्टील के बॉक्स में डाल दें या जमीन के अंदर डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट विल एमिट रेडिएशन बोलो like, हमारे जो नॉर्मल लाइफ में होता है कुछ अराउंड हमारे इसका कोई एग्जांपल है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का तो नहीं एग्जांपल होगा क्योंकि इसके लिए सोचो जरा यहाँ पर दिस इज वेरी हार्मफुल और माइक्रोवेव नहीं माइक्रोवेव रेडियोएक्टिव थोड़ा ना होता है नहीं 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 सो व्हेन आई से रेडियो एक्टिविटी में डायरेक्ट तो आपको नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं जैसे यू माइट हैव हर्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हर्ड ऑफ इट यस तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी आती है वो यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आती है तो इससे आपको बहुत क्लियर आइडिया तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं अल्फा बीटा पार्टिकल जो निकलते हैं उससे हम लोग आगे यूज कर पाते हैं सिमिलर इतना ज्यादा थिक कि मतलब सब इमेजिन नहीं करते बहुत ज्यादा थिक उसमें उसके लिए कंटेनर चाहिए होता है और बहुत ही केयरफुली इसको रखना होता है एंड देयरफॉर अगेन वन मोर थिंग डेफिनेटली This is not something जो कि हमें कॉमनली डे टू डे लाइफ में तो खैर नहीं होता है
लेकिन समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड ऑफ कि जब जो हमारे मतलब कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको रेडिएशन दिया जाता है. हर्ड ऑफ इट? ऐसे कुछ है इसमें कुछ अनयूजुअल से ग्रोथ आ गया इस सेल के अंदर. इसके अंदर हमने यहाँ पे ये लिखा ऐसे ऐसे ये बना दिया मैंने, ये सेल बना हुआ है इसके अंदर कुछ अनयूजुअल सा ग्रोथ है, अनयूजुअल ग्रोथ हो गया तो इसको किल करने के लिए क्या करते हैं, दे गिव रेडिएशन. ये सेल है इसके लिए क्या किया जाता है यहाँ पर, ये रेडिएशन दिया जाता है, इसमें ये गामा रेडिएशन ही होता है. सो व्हाट वी यूज इज गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन ये वाला लिया यहाँ पर, तो ये जो रेडिएशन ऐसे ऐसे रेडिएशन हम लोग नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके ये रेडिएशन गया यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे इसको क्या करता है, इसको ये किल करता है. एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस इज ये वाला हमारा कुछ ऐसे यही वाला सेल जो है ये फिर धीरे धीरे ये होते 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 ये वाला बिल्कुल नॉर्मल क्लीन हो जाता है. एंड सो इट कम्स लाइक दिस. बाकी सेल्स को भी तो अफेक्ट करेगा ना फिर, अगर इसको ठीक करेगा तो. वेरी गुड, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपने पूछा है. इसलिए रेडिएशन वाला होता, यदि कोई आपके घर में डॉक्टर हो उनसे आप पूछना कि वो बताएंगे आपको कि जो गामा वाला होता है तो इसलिए क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है और जिस पर्टिकुलर एरिया को करना होता है, मान लो इतने एरिया को करना है तो इसी इतने ही एरिया का एक पर्टिकुलर फ्रेम बनाते हैं और उस पर फोकस्ड होकर के जो मशीन भी होता है बस उतने ही एरिया पे वो अटैक करता है, बहुत ही फोकस पिन पॉइंटेड रहता है ये, ठीक, ताकि मतलब बाकी सेल्स को बहुत ज्यादा डैमेज ना करे. और फिर भी डैमेज होता ही है, इसलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस, फिर बहुत सारे मतलब रेमेडियल एक्शंस वगैरह की जरूरत पड़ती है. यही खूबी है गामा रेडिएशन से ट्रीटमेंट का और जो हम लोग कहते हैं केमियोथेरेपी कहते हैं, ठीक. तो जो केमियोथेरेपी होता है इसमें क्या होता है, आप केमिकल कंपाउंड देते हो, तो केमिकल कंपाउंड जब आप देते हो तो पूरा बॉडी में वो मतलब बॉडी में यदि आपने कोई आदमी किसी ने ऐसे इसको आपने दिया यहाँ पर केमोथेरेपी यानी इंजेक्शन दिया इसको हमने, ठीक, कीमोथेरेपी यानी केमिकल कंपाउंड गया तो वो बॉडी में पूरा पूरा हर जगह यहाँ भी ट्रैवल करेगा, यहाँ भी ट्रैवल करेगा, यहाँ पर ब्रेन व्रेन हर जगह पहुंच जाता है, तो ये हर जगह घूमता रहेगा. जब गामा की हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही स्पेसिफिक, मान लो सपोज किसी को यहाँ पे देना है तो बिल्कुल यहाँ के लिए एक डिजाइन बना लेते हैं वो, उसको बिल्कुल सील्ड करके बिल्कुल यहीं पे रेडिएशन होता है, तो जो पूरा बाकी बॉडी है उसमें ये उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है. तो दिस इज काफी ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये जनरलाइज्ड है, राइट. तो ये रेडियो एक्टिविटी की हम बात करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही यूजेज भी है और इसका खराब यूज भी है, ठीक. जैसे हम कहते हैं मतलब ये भी हमारे पास खराब यूज मतलब ये है कि यदि इसके कहीं पे लीक हो जाए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो फिर वो बहुत सारे मतलब हमारे सेल्स में को डैमेज कर देता है, और ये इतनी बुरी तरीके से डैमेज करता है कि समझ लो कि वो मतलब जनरेशंस तक खराब हो जाती हैं. यू माइट हैव हर्ड ऑफ, आपने कभी सुना होगा जैसे मतलब जापान पे जो अटैक हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था हिरोशिमा में, तो वही जो हमारे पास हिरोशिमा में अटैक हुआ था वो रीजन यही था कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस वहां पर बहुत सारे रेडिएशंस हुए थे जिसके कारण से बहुत बड़ा डैमेज भी हुआ था और बहुत दिनों तक बहुत जनरेशंस को उन्होंने फील किया उसका इफेक्ट, उसमें जनरेशन में दिखाई देती है. सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी पर बेस्ड ये रदरफोर्ड मॉडल जो था वो यही अल्फा बीटा गामा के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट विल सी फर्दर, इसके बारे में और बात करेंगे, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बच्चों. सो होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास, अच्छा लगा होगा इंटरेक्शन से. वी आर हियर टू लर्न और हम लोग बहुत से नई बातों को सीखेंगे. एंड टिल द टाइम यू आर रीचिंग टू 9th and 10th, तब तक जितने भी सारे केमिकल फिनोमेनाज हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, सबसे आप बिल्कुल रूबरू हो जाएंगे. यानी उसके बाद कभी भी कोई आपके लिए नया टर्म नहीं आपके सामने आएगा कि ये नया टर्म हमने नहीं सुना है या ये नया टर्म हमने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, नथिंग लाइक दैट. यानी फिर केमिस्ट्री बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी.
कि केमिस्ट्री आपको बहुत ही आसान भी लगेगी एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस. अभी तो हम थोड़ा सा ऐसे भी चल रहे हैं इसमें, थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो ये और इंजॉयबल हो जाएगा और मजा आएगा. अभी चूंकि इसलिए है, दिस मोर ऑफ थियोरिटिकल बैकग्राउंड है इन सब में, थियोरिटिकल है चीजें, थ्योरी 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 चल रही है, बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो फिर वो मैथमेटिकल होती चली जाती है. एंड सो यू विल सी हियर, अभी बहुत कुछ अगली क्लास में बहुत कुछ हमें पढ़ेंगे, रेडिएशन के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, एंड सो मेनी थिंग्स वर देयर. ठीक है. अच्छा अच्छा, एक और चीज बताओ, व्हाट एग्जैक्टली तुम लोगों ने अपने इसके लिए सोचा है, फ्यूचर कैरियर के लिए भी कुछ सोचा है अभी कि नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है उसके बारे में? नॉन मेडिकल सोचा है अभी. अच्छा, नॉन मेडिकल सोचा है. ठीक है. अमर्थ बेटा आप? सक्षम सर, नॉन मेड. नॉन मेड, राइट. आकृति? ओके, चलो दैट्स गुड. तो फिर हम लोग बाकी और इसके बारे में बात करेंगे, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्लियर था जो भी हमने डिस्कशन किया आज? हाँ बोलो बेटा. सर, कोबाल्ट का यूज कैंसर को ट्रीट करने में कैसे? यस 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 यस, एग्जैक्टली वही वही रेडिएशन, वही गामा रेडिएशन, वही गामा रेडिएशन वगैरह आता है उसमें. ठीक है. ओके. चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर, बाय. थैंक यू सर. वेलकम.